हाय एवरीवन, आई एम मधु। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे लीनियर इनइक्वेशंस के बारे में। मेरा पिछला वीडियो लीनियर इक्वेशंस पे था। सो ये दोनों चैप्टर बहुत ही रिलेटेड हैं, बस इसमें कुछ टर्म्स हैं जो थोड़ी सी डिफरेंट है, अदरवाइज सारा चैप्टर बिल्कुल सिमिलर है। सो बिफोर वी गेट स्टार्टेड वी विल स्टार्ट विद एन इंस्पायरिंग थॉट। सो द इंस्पायरिंग थॉट फॉर टुडे इज फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स। सो इस थॉट से हमें सीखने को मिलता है कि फ्यूचर में वही लोग सक्सेसफुल होंगे जो अपने ड्रीम्स की ब्यूटी को समझते हैं। आपका ड्रीम आपकी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और अगर आप ये समझ जाते हो कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर इन योर लाइफ इज़ योर ड्रीम, देन यू कैन अचीव सक्सेस वेरी ईजिली। एंड ऑल्सो हैप्पीनेस इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन आर लाइफ, एंड दैट हैप्पीनेस वी कैन अचीव बाय अंडरस्टैंडिंग द ब्यूटी ऑफ आर ड्रीम्स। And if you understand that your dreams are that your ultimate way of happiness, your dreams are most important for you. So that is the way of achieving happiness. And also, we should do what we love and do that what you are liking. It should not ये नहीं होना चाहिए कि आप कोई काम कर रहे हो वो किसी के pressure में है या फिर आप मजबूरी में कर रहे हो। It should be like your passion. Passion मतलब वो काम जो आपको करना बहुत अच्छा लगता है। So See dreams, dream in your life, chase your dreams, chase your goals with full energy and courage. So now let's quickly get started with our topic, which is linear inequations. So पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन होता है दो अलजैब्रिक एक्सप्रेशंस के बीच में अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी बिटवीन टू अलजैब्रिक एक्सप्रेशन। तो इन इक्वेशन बिल्कुल उल्टा है। इन इक्वेशन क्या होता है, जैसे दो अलजैब्रिक एक्सप्रेशंस हैं 7x + 3, सेम एग्जाम्पल लेंगे 8x - 4, मतलब दो अलजैब्रिक एक्सप्रेशंस के बीच में स्टेटमेंट ऑफ इनइक्वालिटी, मतलब वो इक्वल नहीं है। इनइक्वालिटी मतलब द बोथ एक्सप्रेशंस आर नॉट इक्वल, दैट इज अ स्टेटमेंट ऑफ इनइक्वालिटी, दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज इनइक्वेशन। अब लीनियर इनइक्वेशन क्या होता है, लीनियर में मतलब हाईएस्ट पावर उसकी 1 होगी, डिग्री 1 होगी, एज इट इज सेम, बस डिफरेंस इतना है इनइक्वेशन है, यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ इनइक्वालिटी है। सॉल्यूशन सेट, यहाँ पे इस चैप्टर में क्वेश्चंस को करने का फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट है। हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को और फिर लास्ट में जो आंसर आता है उसको सॉल्यूशन सेट बोलते हैं। सो ये आपको जब समझ आएगा जब हम थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। So friends, now let's do some questions so that you can understand what is the format of solving a linear inequation. So pehla question isme given hai 7x + 3 is less than equal to 17. ये less than equal to का sign है, less than, और अगर नीचे ये dash है इसका मतलब equal to 17. X belongs to n. N is natural number. So इस statement को understand करो, x है यहाँ पे given ये variable. x की वैल्यू चाहिए हमें, वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, और ये जो e है ये इस साइन को बोलते हैं बिलोंग्स टू, मतलब x बिलोंग्स टू n. n इज नेचुरल नंबर्स, n इज़ अ शॉर्ट फॉर्म फॉर नेचुरल नंबर्स, मतलब ये जो x है, जो भी ये नंबर है, अभी तक हम इसकी वैल्यू नहीं पता है, तो ये एक नेचुरल नंबर है, इतना क्लियर हो गया हमें। सो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले जैसे हम क्या करते हैं, अगर वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर है तो उसको दैट अपोजिट साइड शिफ्ट करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है। जैसे सॉल्व करके देखते हैं, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 3 ऑन बोथ साइड्स, मतलब हमें इसको सब्ट्रैक्ट ही करना था। अगर हम यहाँ पे ये स्टेटमेंट नहीं लिखते, सो इस +3 को यहाँ पे हम -3 करते और यहाँ इसको 17 से सब्ट्रैक्ट ही करते, लेकिन कुछ भी करने से पहले लीनियर इनइक्वेशन में आपको स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है। सो अब सब्ट्रैक्ट करेंगे ऑन बोथ साइड्स, मतलब यहाँ भी करना है और वहाँ भी। सो 7x + 3 सब्ट्रैक्ट -3, मतलब -3 < 17 -3। सो अब ये +3 - 3 कैंसिल, रह गया 7x, और यहाँ पे है 17 - 3, 17 - 3 इज 14। सो स्टेटमेंट है 7x इज़ लेस देन इक्वल टू 14।
अब इस 7 को हम उस साइड डिवाइड करेंगे, लेके जाएंगे, तो हमें लिखना पड़ेगा ऑन डिवाइडिंग 7 ऑन बोथ साइड्स रिएक्टिंग ऑन बोथ साइड्स. सो अगर हम इस साइड 7 को ऐसे फॉर एग्जांपल 7 को यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये 7 कैंसिल रह गया x, और अगर यहाँ पे करेंगे तो 14 डिवाइडेड बाय 7 इज 2. सो x की वैल्यू x इज लेस देन इक्वल टू 2. अब लेस देन इक्वल मतलब अब 2 से छोटे कौन से नेचुरल नंबर्स हैं, 1, और इक्वल टू मतलब 2 को भी इंक्लूड करेंगे. तो लास्ट स्टेटमेंट होगी यहाँ पे, आई एम राइटिंग हेयर. सो लास्ट स्टेटमेंट होगी सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू ब्रैकेट्स में लिखेंगे क्या है, 1 और 2. 2 से छोटा नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, इसलिए 1 और 2. सो सॉल्यूशन सेट है 1 एंड 2. सो दिस इज द आंसर. यहाँ पे हम इक्वेशंस में हम डायरेक्ट आंसर लिख देते कि दैट एक्स इज इक्वल टू दिस, लेकिन लीनियर इक्वेशन में हमको सॉल्यूशन सेट लिखने पड़ते हैं. सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, इट वाज वेरी इजी. बस डिफरेंस इतना है यहाँ पे स्टेटमेंट्स मेंशन करनी है आपको. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो फ्रेंड्स, नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 9x माइनस 7 इज लेस देन 25 प्लस 3x. तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, इस लेस देन के साइन के दोनों साइड पे वेरिएबल्स हैं. यहाँ पे 9x है और वहाँ 3x है. x बिलोंग्स टू z. z मीन्स इंटीजर्स. इंटीजर्स क्या होते हैं, ऑल नेगेटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव नंबर्स प्लस 0. मीन्स 0 ऑल नेगेटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स. सो x बिलोंग्स टू z मतलब इंटीजर, x एक इंटीजर है. सो अब हम इसे सॉल्व करेंगे. सबसे पहले इस 7 को हमें उस साइड शिफ्ट करना है. सारे कांस्टेंट वेरिएबल्स को एक साइड करते हैं. सो सबसे पहले 7 को उस साइड करेंगे. सो क्या लिखेंगे, ऑन एडिंग 7 ऑन बोथ साइड्स, ऑन एडिंग 7 ऑन बोथ साइड्स. अब अगर यहाँ पे हम प्लस 7 करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ पे क्या रह गया, सिर्फ 9x. 9x इज लेस देन 25 प्लस 7 प्लस 3x, इट इज x. सो अब 25 प्लस 7 इज 32. सो 32 प्लस 3x. सो अब इस 3x को हम इस साइड शिफ्ट करेंगे क्योंकि वेरिएबल्स एक साइड लेके जाने हैं. सो क्या लिखेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 3x ऑन बोथ साइड्स. सो यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 3x कैंसिल हो जाएगा. सो यहाँ रहेगा 32. सो 9x माइनस 3x इज लेस देन 32. सो 9x माइनस 3x इज 6x. 6x इज लेस देन 32. सो अब क्या स्टेटमेंट है, आई एम राइटिंग इट देयर. सो अब लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग 6, क्योंकि यहाँ पे ये x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है. सो वहाँ पे डिवाइड होगा. सो स्टेटमेंट लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग 6 both sides. So, अब 6 को यहाँ से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ x रह जाएगा, और वहाँ पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 32 डिवाइडेड बाय 6. इट विल बी गोज विद 2, 1, 6, 16 बाय 3. सो x इज लेस देन 16 बाय 3. अब 16 बाय 3 कैंसिल नहीं हो रहे तो हम इनको डिवाइड करेंगे और आंसर आएगा डेसिमल में. सो आंसर क्या है, 16 डिवाइडेड बाय 3. इसको डिवाइड करेंगे तो लेट्स डिवाइड हेयर, 5 ज़ा 15, 1.3 मीन्स समथिंग द आंसर विल बी 5.3. सो 5.3 मतलब 5.3 से सारे छोटे नंबर्स जो भी इंटीजर्स हैं
वो सारे ये एक्स का सोल्यूशन सेट है. सो हम क्या लिखेंगे, सोल्यूशन सेट, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू डॉट 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 माइनस वन ज़ीरो वन टू थ्री फोर एंड फाइव, वन टू थ्री फोर एंड फाइव. मतलब आंसर क्या है हमारा, यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स तो ख़त्म नहीं होंगे क्योंकि इन्फिनिटी पे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई फिक्स वैल्यू ख़त्म नहीं हुई. आंसर क्या आया था, 5.3, और साइन है लेस देन का. 5.3 से सारे छोटे नंबर, 5.3 से छोटा 5, 4, 3, 2, 1, 0 और ऐसे ही नेगेटिव्स में भी बढ़ जाएंगे, इसलिए यहाँ डॉट डॉट का साइन है. सो दिस इज़ द सोल्यूशन सेट, डॉट डॉट माइनस वन ज़ीरो वन टू थ्री फोर टिल 5 ओनली, बिकॉज 5 इज़ द वैल्यू लेस देन 5.3. सो दिस वॉज द क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो फ्रेंड्स, अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है. इसमें क्या है, 1 - 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1. मतलब यहाँ पे सेम ही है, यहाँ पे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब जो x है वो नेचुरल नंबर है. सो ईजी क्वेश्चन है, इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस है. सो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इस 1 को, ये पॉजिटिव है यहाँ पे, तो उस साइड हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट. सो क्या स्टेटमेंट है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, बिकॉज ये वाला माइनस साइन 4x के साथ है. सो क्या लिखेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 ऑन बोथ साइड्स. सो यहाँ पे -1 लिखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा. सो सिंपल, यहाँ पे लेफ्ट है -4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 -1, बिकॉज हमने -1 को सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए यहाँ पे -1 -1. सो -1 -1 + सो 1 + 1 = 2. सो आंसर है -2. अब इस माइनस, ये -4x के साथ मल्टीप्लिकेशन में, सो उस साइड में क्या होगा, डिवाइड. सो क्या लिखेंगे, ऑन डिवाइडिंग -4 ऑन बोथ साइड्स, ऑन डिवाइडिंग -4. अगर यहाँ पे -4 को डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, सो यहाँ पे सिंपल रह गया x. सो नाउ रिमेंबर दिस, या वन मोर थिंग, यहाँ पे क्या होता है, जब भी हम किसी भी नेगेटिव नंबर को डिवाइड या सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों साइड, तो साइन अपोजिट हो जाता है. यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू था, इसलिए यहाँ पे अब लेस देन इक्वल टू का हो जाएगा. लिसन दिस वेरी केयरफुली, ये लीनियर इक्वेशन, इन इक्वेशंस की एक प्रॉपर्टी है, दो प्रॉपर्टीज़ हैं. कोई भी नेगेटिव नंबर अगर हम उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं दोनों साइड्स, तो साइन अपोजिट होता है. सो यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं -4 को, -4 एक नेगेटिव नंबर है, इसलिए साइन उल्टा हो गया. सो रिमेंबर दिस, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. जब भी हम किसी भी नेगेटिव नंबर को डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे, तो लीनियर इक्वेशंस में साइन, लीनियर इन इक्वेशन में साइन उल्टा हो जाएगा. सो यहाँ पे ये लेस देन इक्वल टू का हो गया. सो नाउ -2 डिवाइडेड बाय -4 डिवाइडेड बाय -4. सो ये माइनस माइनस कैंसिल, रह गया 2/4. 2/4 इज, इफ यू विल कैंसिल, वी विल गेट 1/2. सो 1/2 को हाफ, ये फ्रैक्शन है 1/2, मतलब 0.5. सो 0.5. अब सी दिस वेरी केयरफुली, एक्स बिलोंग्स टू एन, एंड मतलब नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन हमारा आंसर ही 0.5 है, इसलिए कोई हमारा सोल्यूशन सेट है ही नहीं. मतलब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो सोल्यूशन सेट में. सो आंसर है 0, लेकिन लीनियर इन इक्वेशंस में क्या होता है, 0 को भी एक आंसर माना जाता है. तो जब भी आपका आंसर नन होता है, कुछ भी नहीं, सो क्या साइन लिखते हैं हम यहाँ पे, आई एम राइटिंग हेयर सोल्यूशन सेट is equal to phi. अब ये साइन, इसको बोलते हैं phi. अलजेब्रा में जब भी आपके पास आंसर नन होता है, नन मतलब कुछ भी नहीं, सो ये साइन लिखते हैं.
और कभी भी इसको ब्रैकेट्स में प्लेस नहीं करना। ब्रैकेट में प्लेस कर दिया इसका मतलब कोई आंसर है, सो इसको सिंपल फाई लिखेंगे। इट मीन्स दैट हमारा आंसर है नन, कुछ भी नहीं। सो रिमेंबर दिस, दिस साइन इज प्रनाउंस्ड एज फाई एंड इट मीन्स नथिंग। सो दिस वॉज द चैप्टर लीनियर इन इक्वेशंस। इट वॉज वेरी ईजी एज लीनियर इक्वेशंस ओनली, जस्ट देर वॉज some difference. I hope you have understood it, and we will keep on making videos on another topics as well, so stay connected with us. And if you find our videos helpful and informative, subscribe to our channel and press the bell icon. That's all for this video. Thank you.